यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक लड़के की, जिसका नाम आदित्य था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा क्रिकेटर बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। उसका दिन रोज अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में बीतता था। गांव का क्रिकेट मैदान वहां के बच्चों का मनोरंजन स्थल बन चुका था। आदित्य और उसके दोस्त रोज शाम को मैदान पर मैच खेलते थे, जब सूरज अपनी आखिरी किरणों से छुपता था। एक दिन उन्होंने सुना कि मैदान के पास के पुराने कुएं में कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। वे अपने दोस्तों के साथ देखने गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक पुराने क्रिकेट बैट को देखा, जो कि धूप से ताजगी से भरा हुआ था। आदित्य ने बैट को उठाया और समझा कि यह कैसे इतनी बड़ी क्रिकेट बैट हो सकती है, क्योंकि इसका डिजाइन बहुत ही विशेष था। बैट को उठाते ही एक अंधेरे साए ने उससे कहा, तैयार हो जाओ आदित्य। आदित्य ने हैरानी में बैट को देखा और सोचा कि क्या यह सब सपना है। लेकिन तभी एक अजीब सी ऊंचाई से आवाज आई, तू मेरा मैदान छोड़ सकता है? आदित्य ने अपनी दोस्तों को देखा और फिर साए की ओर मुड़ा। वह देखा कि वहां एक पुराना क्रिकेट मैच चल रहा था, जहां खिलाड़ी अद्भुत रूप से खेल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं और उनकी हंसी डरावनी थी। साया ने कहा, तू इस मैच का हिस्सा बन सकता है, लेकिन एक शर्त पर। आदित्य ने सहमति दी और साये ने उससे कहा, तू मेरी टीम का हिस्सा बनेगा, लेकिन जब मैच खत्म होता है तो तू मेरे साथ रहेगा। मैच शुरू हुआ और आदित्य ने देखा कि उसकी टीम जीत रही थी, लेकिन साया की टीम भी किसी तरह से आगे बढ़ रही थी। मैच के अंत में आदित्य की टीम ने जीत हासिल की, लेकिन साया कहीं भी नहीं दिखा। आदित्य ने विचारा कि साया ने उसे कैसे गुमराह किया, और तभी वह वापस अपने गांव की ओर बढ़ा।